हाय माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई विद्या क्लासेस। स्टूडेंट्स, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स और 18 जनवरी योर एग्जाम विल बी हेल्ड। सो योर FA2 एग्जाम विल बी स्टार्ट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। सो आई थॉट स्टूडेंट आई विल गिव सम इंस्ट्रक्शन अबाउट हाउ टू राइट योर आंसर ऑन योर क्वेश्चन पेपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। आई विल गिव ए सिंपल डेमो टू यू सो दैट यू कैन राइट प्रॉपरली इन योर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग वेल एंड यू आर गेटिंग प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक दिस थ्रू ऑनलाइन। ओके, हाउ यू बिफर गेव थ्रू ऑनलाइन एग्जाम। So on that question, what you have to do, you have to read the question and you have to take a answer sheet like this. Okay, if you have any extra paper like this also, or a plain sheet if you have in your home, you also you can take also. Okay students, so first that question paper now is with me. It is another question for. Okay, so you will get question paper through online, means in your WhatsApp you will get on that time. Okay, so first you have to open that link, then you in front of you that question will be come and you have to read the question and you have to write that another paper. Okay students, so like this paper you have to take and first you have to write the school name. Here you can write Punna Gyana English Medium School. Okay, पुण्य ज्ञान EM इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, इफ यू हैव लाइक दिस टाइप ऑफ पेपर देन हियर यू कैन राइट योर नेम। ओके, इफ आई राइट आनंद, ओके फॉर एग्जांपल आनंद, ओके योर नेम यू कैन राइट, क्लास यू कैन राइट फोर्थ स्टैंडर्ड एंड रोल नंबर लेट इट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज यू डोंट हैव एग्जैक्ट रोल नंबर फॉर दिस ईयर। सो सब्जेक्ट यू कैन राइट ऑल्सो EVS, ओके फॉर एग्जाम्पल EVS और सोशल साइंस और मैथ एंड डेट यू कैन राइट 18/01/2021। ओके स्टूडेंट्स, सो लाइक दिस स्टूडेंट यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट योर स्कूल नेम, देन नेम, क्लास, सब्जेक्ट व्हिच सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू राइट द एग्जाम एंड डेट। ओके स्टूडेंट्स, देन यू हैव टू कम द क्वेश्चन पेपर। ओके, लाइक दिस क्वेश्चन पेपर यू विल गेट इन योर मोबाइल। सो यू हैव टू रीड द नंबर फर्स्ट, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर इफ वन इज गिवन लाइक दिस, हाउ द क्वेश्चन नंबर गिवन इन योर मोबाइल लाइक दिस। इफ इट इज गिवन वन देन यू हैव टू रोमन नंबर वन यू हैव टू राइट, यू हैव टू पुट सर्किल देन यू हैव टू राइट फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स यू नो नीड टू राइट द टीचर नोज द क्वेश्चन नंबर वन बिलोंग्स टू फिल वन, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो यू हैव टू राइट फर्स्ट रोमन नंबर वन देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर ए देन यू हैव टू राइट डायरेक्ट आंसर। यू कैन राइट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू राइट द हियर समथिंग रिटन सेंटेंस आफ्टर दैट फिल इन द ब्लैंक्स। इफ यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट बट डायरेक्ट आंसर यू कैन राइट। ओके, देन यू हैव टू कम टू बी, यू कैन राइट आंसर डायरेक्टली बिकॉज दीज आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बिकॉज वन मार्क आंसर, सो यू कैन राइट द डायरेक्ट आंसर। ओके, सी डी देन ई। ओके, सो लाइक दिस फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंप्लीट, देन वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ रोमन नंबर इज गिवेन टू लाइक दिस देन यू हैव टू पुट टू लाइक दिस देन कम टू वन बिकॉज हियर सी ए बी सी इज गिवेन सब क्वेश्चन नंबर बट हियर स्टूडेंट वन टू थ्री इज गिवेन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ इज गिवेन यू हैव टू राइट वन देन डायरेक्ट यू कैन राइट आंसर टू लाइक दिस, थ्री लाइक दिस स्टूडेंट, फोर लाइक दिस। ओके, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन हाउ यू गेट यू हैव टू राइट। ओके, सो दिस आर द शॉर्ट क्वेश्चन वन टाइप वन मार्क क्वेश्चन यू कैन राइट लाइक दिस डायरेक्ट। देन स्टूडेंट आई विल टेल यू
mark. Okay, 2 mark. How will you write? Your total mark is, student, 30 mark. Total mark is 30 mark. So these things you should not write. Only you have to write your name, subject, class, and date, and school name. Okay. Then you have to come to long type answer. Long type means 2 mark answer. Okay. If you question Roman number, this is 2, then you come to question number Roman number 3. In Roman number 3, if you want to write, there are some question like 5 question you should give answer which carry 2 mark each. Okay. So like A, you have to write answer from here to here. Then you have to write B. Okay, then C, then D. So like this, student, you have to write your answer and you should complete your exam within the time. Okay, so your exam pattern is there. According to your exam question, you will get the all answer. Okay, so another thing, student, after writing the question answer like this paper, on this paper, what you have to do? You should take the a photocopy of this, of your answer sheet, then you should send to the principal ma'am. Okay, students, so you should send to the principal ma'am's WhatsApp number, only her WhatsApp number. Okay, personal WhatsApp number. You should not send any other group number. Okay, students, only you should send only principal ma'am's personal WhatsApp number. Okay, students, and another thing, very, you just keep in your mind, you should not cheat while writing the answer. Whatever you know, you just write and take the photocopy of this, your copy, then you send. After sending your photocopy, don't modify your answer once again, whatever you written on your exam paper, because after, when you send, after that we have to verify your answer paper. You have to bring the answer paper to school. So don't try to modify after completion of your exam, because you will be catch, okay, by the teacher. So don't do these things. Understood, students? So first of all, students, you have to write your school name, then your name, class, subject, and date. It is very, very important. Then you have to write your exam peacefully. Okay, student, I hope all of you clear. So thank you very much. All the best for your exam. Get ready for your exam. Thank you.